आज की वीडियो एक रिमाइंडर है कि सुशांत सर इतने स्पेशल क्यों थे। सुशांत सर इतने हम्बल थे कि कुछ बच्चे जो बैलून बेच रहे थे, लाइक तो जब सुशांत सर से बोलते हैं कि सर आपके साथ एक पिक्चर लेनी है, तो वहाँ पर वो एक पोलाइट वे में एक हम्बल तरीके से उनके साथ में पिक्चर लेते हैं और उनसे हैंडशेक करते हैं। वहीं देखा जाता है कि कुछ एक्टर ऐसे होते हैं और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि जब एक लाइफ में लेवल ले लेते हैं, एक अचीवमेंट लाइफ में अचीव कर लेते हैं, तो वो एक जो नीडी पीपल्स होते हैं, जो नीडी लोग होते हैं, उनके साथ स्टैंड होना या उनके साथ स्टैंड करना पसंद नहीं करते हैं, या उनकी हेल्प करना या उनके साथ में सेल्फी लेना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर सुशांत सर थोड़ा डिफरेंट हैं और वो आज के यूथ के लिए एक आइडियल हैं। सुशांत सर पटना से बिलोंग्स करते हैं और इन्होंने अपनी जो स्टार्टिंग की थी बॉलीवुड में, एक जीरो से स्टार्ट करने के बाद एक बहुत ज़्यादा अचीवमेंट अपनी लाइफ में अचीव की। तो कुछ ऐसे रूल के बारे में आज हम बात करेंगे जो सुशांत सर ने अपनी लाइफ में किए हैं और जिन्हें वो अपनाते थे, जिन्हें हम भी अपना कर एक अच्छा लेवल अचीव कर सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप सच में किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं और आपको और किसी से ज्यादा मतलब नहीं, ऑफ कोर्स यू लव फेम एंड यू लव टू गेट रिच। सबसे पहली बात सुशांत सर कहते हैं कि ड्रीम बिग इफ यू लव समथिंग। सपने हमेशा बड़े देखो, क्योंकि जब हम अपना गोल डिसाइड करते होते हैं, एक बड़ा ड्रीम हम देखते होते हैं, तो उससे पहले हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। और यही बात सुशांत सर कहते हैं कि लाइक अगर आप किसी भी काम को बहुत ज़्यादा शिद्दत से करते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश के साथ करते हैं और आपको अच्छा लगता है करना, आप उस काम में थकते नहीं हैं, तो उस फील्ड में एक ड्रीम अपना सेट कीजिए, एक गोल अपना सेट कीजिए और उस काम को आप कीजिए, क्योंकि उस काम में आप थकेंगे नहीं, उस काम में आप अचीव करेंगे, उस काम में आप सीखेंगे, उस काम में आप आगे बढ़ेंगे। वहीं पर सुशांत सर का सेकंड पॉइंट है, लाइक सेकंड रूल है कामयाबी के लिए, मनी एंड रिकॉग्निशन डोंट गारंटी सक्सेस। इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपके पास एक बहुत ज़्यादा लाइफ में पैसा है, ज़्यादा आपकी लाइक पहचान है, तो ये चीज़ आपको गारंटी नहीं देती है कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव कर पाएंगे, एक अच्छा इंसान बन पाएंगे या एक अच्छी कामयाबी हासिल कर पाएंगे। सुशांत सर कहते हैं कि लाइक कभी भी आप अच्छा लेवल जब अचीव करते हैं तो वो अपने बल पर करते हैं, अपने ड्रीम को सेट करने के बाद करते हैं, तो हमेशा आप उन चीज़ों पर ना जाएँ। कभी भी आप ये ना सोचें कि मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास पहचान की कमी है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपको गारंटी नहीं देती है कि आप एक अच्छा लेवल अचीव कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सुशांत सर ने भी जीरो से स्टार्टिंग करके एक अच्छा लेवल लाइफ में अचीव किया। पैसा या पहचान आपको गारंटी नहीं देता है कि आप कामयाब होंगे, तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। हो सकता है कि आपके पास पैसे की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, एक पहचान की कमी है, तो आपने खुद की वैल्यू खुद क्रिएट करनी है खुद। तो सुशांत सर कहते हैं कि पैसा और एक पहचान ज़रूरी नहीं है कि गारंटी नहीं देता आपको कि कामयाबी मिलेगी, तो ये सेकंड रूल हमने ज़रूर फॉलो करना है। अब हम जानने वाले हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तो सुशांत सर कहते हैं कि फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोचो। सुशांत सर ने पर्सनली भी ये बात बोली है कि मैं फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी चाहिए, लाइक फ्यूचर को लेके लाइक ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना या ज़्यादा मतलब एकदम सोचना लाइक कि एकदम लाइफ में कुछ अचीव क्यों नहीं हो रहा, ज़्यादा कामयाब एकदम हम क्यों नहीं हो रहे, तो कभी भी फ्यूचर को लेके ज़्यादा आप टेंशन ना लें, प्रेजेंट मोमेंट पे जिए। प्रेजेंटली आप जो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं तो उस पर आप काम करें और वही चीज़ आपको कामयाब बनाएगी। आप अपने प्रेजेंटली मोमेंट को एंजॉय करें, अच्छी हैबिट्स अपनी बनाएं, अच्छी रूटीन अपनी बनाएं और वही चीज़ आपको कामयाब बनाएगी। तो ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट वी हैव टू कीप वर्किंग। हमें अपने सेल्फ के ऊपर काम करना है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो चीज़ हम लाइक अपनी रूटीन लाइफ में करते होते हैं, अपने हम कंटिन्यूसली लाइफ में करते होते हैं, उन्हीं रीज़न की वजह से ही हम कामयाब बनते हैं। हमें अपना प्रेजेंट संभालना है, यही प्रेजेंट हमारा फ्यूचर संभाल देगा। तो हमें फ्यूचर को लेकर ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ज़्यादा लाइक टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आज हम अच्छा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सारा कुछ अच्छा होगा हमारी लाइफ में। सो होप यू गाइस कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई लव यू।